हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रीता शर्मा। मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फ्रेश करेले और प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे मैंने काट कर बनाया है। मैंने करेलों में नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़े मसाले भी ऐड कर लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से करेलों में मिक्स कर ले। इस तरह से बनाए हुए करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। कटे हुए करेले बनाने के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में तेल गर्म कर लूँगी। अब इसमें दरदरे पीसे हुई लाल मिर्ची, धनिया और जीरा डालकर इसमें अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए तभी इसमें मैं लंबे लंबे कटे हुए प्याज को ऐड कर दूँगी। मसाला लगभग भून चुका है, अब इसमें मैं कटे हुए प्याज को ऐड कर दूँगी। इसमें ज़्यादा प्याज डाला जाता है और प्याज को हल्का सा पिंक होने तक भूना जाता है। और प्याज को लंबा लंबा ही काटें, इससे करेलों का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। करेलों में मैंने पहले से ही नमक, मिर्च, हल्दी और देगी मिर्च सभी ऐड कर लिए थे और इसे मैं पहले ही मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद हम जब मसाला थोड़ा पिंक हो जाए तभी इसमें हम करेलों को ऐड करेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा पिंक होने पर ही हम इसमें इस प्याज के बीच में सारे करेले ऐड कर लेंगे। देखिए प्याज थोड़ा पिंक हो चुका है। अब इसमें मैं कटे हुए मसाले में मिक्स किए हुए करेलों को ऐड करूंगी और इन्हें अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर लें। और इन करेलों को धीमी आंच पर पकाएं और बीच बीच में इन्हें ढककर पकाएं और बीच में ढक्कन को उठाकर चलाएं। ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते और झटपट बनकर भी तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर आप एक बार इस तरह से इन करेलों की रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बिल्कुल इसी तरह से कटे हुए करेले आप बनाना पसंद करेंगे। तो अब मैं इन्हें थोड़ी देर ढककर पकाऊँगी और गैस के आंच को धीमा ही रखें। करेलों को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। मैं इसका ढक्कन हटाकर इन्हें चेक कर लूँगी और इसे चलाते हुए फिर से ढककर पकाऊँगी। ढककर पकाने से करेले अच्छी तरह से पक जाते हैं और धीमी आंच पर ही अच्छी तरह से पकते हैं और इसमें नमक भी अच्छी तरह से अंदर तक पूरी तरह से रसता है। तब इन्हें मैं फिर से ढक रही हूँ। मैं इसका ढक्कन फिर से हटा कर चेक करूँगी। अगर करेले पक चुके होंगे तो इन्हें हम खुले में ही पकाएंगे। तो पहले मैं एक करेले को थोड़ा दबा कर चेक करती हूँ। देखिए करेला हमारा पक चुका है। इसमें भी थोड़ा टाइम और लगेगा। करेले की सब्जी पककर तैयार है। अब इसे हम खाने के लिए परोसेंगे। अगर आपको थोड़े करारे करेले की रेसिपी अच्छी लगती हो तो आप इसे खुले में 2-3 मिनट तक और पका सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही करेले की सब्जी खाने के लिए अच्छी लगती है। मैं गैस को बंद कर चुकी हूँ। अब मैं इसे गर्मा गर्म खाने के लिए सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।